हेलो एवरीवन वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस इस वीडियो में हम क्लास सिक्स जियोग्राफी चैप्टर टू ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के नोट्स देखेंगे इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कवर करवा चुकी हूं दोनों तो ही वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आप जा करके जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो और देखिए जियोग्राफी की प्लेलिस्ट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिससे आप जियोग्राफी की जितने भी चैप्टर्स हैं सबको देख सकें सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको उस प्ले में मिल जाएगी अब हम नोट्स देखते हैं स्टार्ट करते हैं नोट्स में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के जो कि आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि व्हाट इज अ ग्लोब तो अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ अर्थ का एक ट्रू मॉडल है एक तरीके से अर्थ का छोटा रूप है द ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स अब ग्लोब्स भी डिफरेंट uh, साइज और टाइप्स के आते हैं ग्लोब्स कैन भी रोटेटेड इन द सेम वे एज द टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड ग्लोब को भी आप उसी तरीके से घुमा सकते हो जैसे कि आप एक टॉप स्पिन या पॉटर्स व्हील को रोटेट करते हो फिर एक्सिस के बारे में बताया गया है कि वॉट इज एक्सिस देखो इमेजनरी लाइन जो सेंटर अर्थ के सेंटर से पास होती है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको हम एक्सिस कहते हैं द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज़ एक्सेस इससे आपका रिविजन भी हो रहा है क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से समझा ही होगा तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि एक्सेस क्या होती है देखो एक अर्थ है उसके इमेजनरी लाइन अर्थ में ना कुछ लाइन बनाई जाती हैं जो इमेजनरी होती हैं जो रियल नहीं होती लेकिन काल्पनिक तौर पर हमने बना रखी हैं तो वो सेंटर से अर्थ के सेंटर से पास जो लाइन होती है ठीक है अर्थ के सेंटर से ही पास होती है लाइन और वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको हम एक्सेस कहते हैं उसके बाद अडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस अब ग्लोब में देखो एक निडल होती है जिसको फिक्स किया जाता है ग्लोब में एक टिल्टेड मैनर में उसको एक्सेस कहा जाता है अभी हम ग्लोब की एक्सेस की बात करें देखो इस तरीके से ऐसे जो फिक्स होती है ना इस तरीके से ग्लोब में इसको हम कहते हैं एक्सेस ठीक है उसके बाद अनोदर इमेजनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट द अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट्स दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर अब एक और इमेजनरी लाइन है ठीक है वो जो है क्या करती है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर इस तरीके से बीच में होती है और अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं जो बीच वाली लाइन है जो डिवाइड कर रही है उसको हम इक्वेटर कहते हैं ठीक है देखिए अब जो नॉर्थ वाला साइड है नॉर्थ एंड साउथ तो ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न हेमस्फेयर कहलाता है और नीचे वाला साउथर्न हेमिसफेयर कहलाता है देखिए नॉर्दर्न हेमिसपेयर नॉर्थ वाला हाफ और साउथर्न वाला हाफ साउथर्न हेमिसपेयर हो जाएगा ऑल पैरल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पॉल्स आर कॉल्ड पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स अब जितने भी पैरल लाइन्स होती हैं ना या हम कहें सर्कल्स होते हैं क्योंकि वो ऐसे देखो एक अर्थ एक यहाँ पर मान लो हमने ग्लोब बनाया है इस तरीके से तो ऐसे शुरू होंगी ये लाइन्स और ऐसे पीछे जाकर एक तरीके से सर्कल ही फॉर्म करेंगी मिलेंगी तो अब देखो जैसे ये आ, अभी हमने देखा कि पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की अभी हम बात कर रहे हैं तो जितने भी सर्कल्स होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स जैसे ये इक्वेटर है अब ऐसे ऐसे काफ़ी सारी लाइंस बनी हुई हैं आगे की तरफ और पैसे पीछे की तरफ भी ऐसे ऐसे ये घूमती जाएंगी सारी लाइंस ऐसे पूरे परी हुई हैं किसके आसपास अर्थ पे ग्लोब पे इमेजनरी लाइंस हैं ये सारी की सारी तो इन सबको ऐसे जो बनी होती हैं इनको हम कहते हैं लेटिट्यूड्स क्या कहते हैं लेटिट्यूड्स पोल्स तक ये जाती हैं द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द ज़ीरो डिग्री लेटिट्यूड अब यहाँ पर ये जो इक्वेटर है ना ये जीरो डिग्री लेटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बिसाइड्स द इक्वेटर जीरो डिग्री सेल्सियस द नॉर्थ पोल नाइन्टी डिग्री नॉर्थ the साउथ पोल नाइन्टी डिग्री साउथ There are फोर important parallels ऑफ लेटिट्यूड अब ये तो अभी पढ़ रहे हैं कि देखो जैसे ये इक्वेटर है तो ये जीरो डिग्री होता है फिर नेक्स्ट हमारा वन डिग्री होगा तो ऐसे चलते हैं अब यहाँ पर एकदम टॉप पे जो नॉर्थ वाले साइड पर नॉर्थन हेमस्फेयर पर जो ऐसे बना होता है हमारा लेटिट्यूड वो नाइन्टी डिग्री नॉर्थ कहलाता है और जो यहाँ पर बना होता है साउथ की साइड लेटीट्यूड उसको नाइन्टी डिग्री साउथ होता है वो उसका सेल्शियस नाइन्टी डिग्री डिग्री साउथ और ये नॉर्थ होता है ठीक है क्योंकि वो नॉर्थ की साइड में है और दूसरा वाला साउथ की तो तो अब उसके बाद ये तो हमें पता हो गया कि भाई इक्वेटर जीरो डिग्री सेल्सियस को पे होता है नॉर्थ पोल पे नाइनटी डिग्री जो सबसे टॉप वाला होता है नॉर्थ पोल पे वो नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पे नाइन्टी डिग्री साउथ ठीक है उसके बाद चार इंपॉर्टेंट पैरल भी होते हैं के चार इंपोर्ट पैरेलल लाइंस भी होती हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड द हाफ डिग्री साउथ की तरफ होती है सउदर्न हेमिस्फीयर है तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे अभी ये जीरो है यहाँ पर जीरो डिग्री तो अब यहाँ पर 23 लगभग किधर पड़ सकता है ठीक है तो अगर इधर पड़ रहा है तो देखो ये 20 डिग्री और डिग्री 1 एंड 1/3 साउथ इस तरीके से अब जो भी लेटीट्यूड्स नॉर्थ की तरफ है उनके आगे एन जोड़ा जाता है जो भी साउथ की तरफ है उनके आगे एस जोड़ा जाता है तो काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट आपको लेटिट्यूड्स याद रखने पड़ेंगे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ट्वेंटी थ्री एंड द हाफ हाफ़ नहीं है सॉरी ट्वेंटी थ्री एंड वन बाय थ्री डिग्री साउथ पर होता है ठीक है और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है फिर आर्कटिक सर्कल आता है जो सिक्सटी सिक्स डिग्री एंड द हाफ नॉर्थ पे होता है इक्वेटर के फिर आता है हमारा एंटार्टिक सर्कल ये सारे के सारे ना लेटीट्यूड्स के नाम है यहाँ पर यह सारे के सारे लेटीट्यूड्स के नाम है एंटार्टिक सर्कल जो कि सिक्सटी सिक्स एंड द हाफ डिग्री साउथ में होता है इक्वेटर के ठीक है तो ये सब आपको याद रखने हैं ये सारे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं आपके ओके हीट जोन्स ऑफ द अर्थ अर्थ के हीट जोन्स वो एरिया जिसमें मैक्सिमम हीट आती है उसको टॉयरेट जोन कहते हैं इस तरीके से अर्थ है इसमें ऐसे तीन आ, मतलब ऐसे जोन्स हो जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हीट पड़ेगी वो आपका टॉयलेट जोन होगा फिर एंटार्क्टिक सर्कल साउदर्न हेमिसपेयर में एंटार्टिक सर्कल के आसपास जहाँ मीडियम टेम्परेचर रहता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं और जहाँ ठंडा एरिया रहता है हेमिसपेयर के अराउंड उनको हम फ्रिजड जोन कहते हैं ठीक है मतलब फ्रिजड जोन्स आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ में ना तीन जोन्स हो जाते हैं टॉयरेट जोन फिर होता है टेम्परेट जोन फिर फ्रिजड जोन अब टॉयरेट जोन में सबसे ज़्यादा जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहे जहाँ सन की हीट ज़्यादा आए उधर बहुत गर्मी रहेगी तो गर्मी वाला टॉयरेट जोन टेम्परेचर आ, टेम्परेट जोन्स में क्या होता है टेम्परेचर मीडियम रहता है ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ठंडी और फ्रिजर्ड जोन में बहुत ज़्यादा ठंडा वाला टेम्परेचर रहता है वो फ्रिजड जोन होते हैं अब लैटिट्यूड्स पढ़ लिए हीट जोन्स पढ़ लिए हीट जोन्स बोलते हैं तीनों को टॉरेट टेम्परेट एंड फ्रिजड उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गीट्यूड्स के बारे में वॉट आर लॉन्गीट्यूड्स तो देखिए यहाँ ना पैरल हो जाएगा और यहाँ टेम्परेट हो जाएगा ये थोड़ी गलतियाँ हैं इनको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा देखिए अब पैरल ऑफ़ लैटीट्यूड ऑल मेरेडियंस आर ऑफ़ इक्वल लेंथ ठीक है सारे मेरिडियंस जो हैं इक्वल लेंथ की होती हैं हैंज ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीन विच वी द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन तो सबसे पहले लॉन्गेट के बारे में बात करते हैं ये तो हमारे लैटीट्यूड थे लॉन्गेट्यूट ना लॉन्ग होते हैं ऐसे सीधे सीधे होते हैं सीधे सीधे होते हैं ठीक है अब यहाँ पर ना जैसे इक्वेटर uh, था लेटीट्यूड्स में ऐसे ही यहाँ पर एक प्राइम मेरिडियन होती है जो बीच में होती है एकदम ये प्राइम मेरिडियन होती है यहाँ पर देखो लॉन्गिट्यूड का बहुत ज़्यादा टाइम देखने में लॉन्गिट्यूड ही काम आते हैं तो क्या हुआ सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि जो है मेरिडियन से ही टाइम को शुरू होना चाहिए काउंट करना टाइम को ठीक है जो ग्रीनविच ग्रीनविच है इस प्राइम मेरिडिन पे ग्रीनविच होता है ठीक है ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है तो ये जो प्राइम मेरिडिन है जो बीच में लॉन्गिट्यूट है इसको प्राइम मेरिडिन हम लोग बोल रहे हैं अब यहीं से काउंट किया जाता है टाइम को ठीक है और इसको इसी मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं इतना समझ आ गया आप लोगों को अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करें तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लैनट सबसे अच्छा तरीका टाइम को मेजर करने का जो है अर्थ के अर्थ की मूवमेंट मून की मूवमेंट और प्लैनट्स की मूवमेंट को मेजर करके हम जो है टाइम को बता सकते हैं कितना टाइम हो रहा है द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरीडे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब देखो इसमें यही है कि सन जो है उगता है फिर जाता है तो इससे तो हम बेस्ट तरीके से समझा ही सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है जब सूरज चला गया तो क्या हो गया Uh, रात हो गई और जब सूरज उगा तो सुबह हो गई ऐसे ही जब जब चांद आ जाता है तो हम समझ जाते हैं रात हो गया तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं मून की अर्थ की सन की यही बेस्ट चीज़ है टाइम को देखने का लेकिन लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्न बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट लोकल टाइम हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि श, सन से शेडो हमारी कैसे बन रही है जब शॉर्टेस्ट शेडो बने वो रात को बन सॉरी दिन में बनती है और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट शेडो तक बनती है जब सनराइज या फिर सनसेट होने वाला होता है ठीक है When the द प्राइम the ऑफ point in the sky, एट द places पॉइंट इन द will प्लेसेस midday दिस noon। विल तो जो प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच की है प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जहाँ पर मैंने आपको बताया ना प्राइम मेरिडियन में ग्रीनविच को पास करते हुए प्राइम मेरिडियन बनी है ग्रीनविच एक जगह है तो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच का है जब उधर सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होगा आसमान में तो सारे के सारी प्लेसेस जो हैं इस मेरिडियन के आसपास वहाँ पर नून हो रही होगी या फिर आधा दिन निकल चुका होगा ठीक है एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द प्लेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अ हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट तो जैसे आपको पता है अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ठीक है तो जो ग्रीनविच लाइन यहाँ पर बनी है जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ठीक है जो भी प्लेसेस ईस्ट की साइड होंगी वो इस यहाँ पर जैसे दो बज रहे हैं तो यहाँ जितनी भी प्लेसेस हैं उनमें तीन या चार ही बज रहे होंगे क्योंकि ईस्ट की साइड जो है ज्यादा आगे टाइम बढ़ रहा होगा जो वेस्ट यानी इससे पीछे की तरफ है उनकी पी, आ, उनके टाइम स्लो चल रहा होगा कि भाई अगर यहाँ पर प्राइम मेरिडियन में दो बज रहे हैं तो इधर जो है बारह या एक बज रहे होंगे क्योंकि वो वेस्ट की साइड हैं तो वहाँ टाइम जो है पीछे होगा प्राइम मेरिडियन के टाइम से ठीक है एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड ट्वेल्व ओ क्लॉक वैन द सन इज़ एट हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई किसी भी जगह एक वॉच को प्लेस किया जाता है जा सकता है बारह कल कितने बज रहे हैं उसे देखने के लिए वैन सन इज़ एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई वैन इट इज़ द मिड डे जब सन हाइएस्ट पॉइंट पर होता है तब वो मिड डे होता है उसके बाद वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है तो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर तो देखिए अलग अलग लोकल टाइम होते हैं अलग अलग जगहों के ठीक है जो अलग अलग मेरिडियंस पे होते हैं तो उनका टाइम में भी डिफरेंस होगा फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप नहीं समझे तो देखो इंडिया में एक घंटे और 45 मिनट्स का अंतर है लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड देरवू इन असम इंडिया में ना द्वारका का जो गुजरात में द्वारका है उसके लोकल टाइम और जो डिब्रू है डिब्रूगढ़ है असम में उसके लोकल टाइम में वन आवर 45 फाइव मिनट्स का अंतर है तो इसी वजह से ना इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ ट्वेंटी थ्री वन एंड साउथ द स्टैंडर्ड इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जिससे टाइम हम लोग मेजर कर सकें तो इंडिया में टाइम पता कर सकें तो इंडिया में ट्वेंटी थ्री वन बाई थ्री साउथ की तरफ जो लॉन्गिट्यूड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है ठीक है स्ट्रेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री और इंडिया में यहाँ पर जितना टाइम हो रहा होगा इस जगह जो भी जगह है उधर जितना टाइम हो रहा होगा वही पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम देते हैं यानी आई एस टी ठीक है तो यहीं पर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग